सो हेलो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ऑडिट का पेपर अच्छा गया। राइट, ये एक रिव्यू वीडियो है 2 मिनट का कि ऑडिट का पेपर कैसे आया। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट जस्ट वांटेड एन ओवरव्यू कि सर आपके अकॉर्डिंग ऑडिट का जो पेपर है वो कैसा आया। तो लेट मी बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ऑडिट का पेपर ना बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड आया, इट वॉज ए वेरी बैलेंस्ड पेपर। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर पेपर टफ था। अब ऐसा क्यों लगता है आपको कि पेपर टफ था सर? ऐसा इसलिए लगता है कि आपने ना माइंड में एक ट्रेंड बना रखा होता है, एक एक्सपेक्टेशन बना रखी होती है, एक पैटर्न बना रखा होता है कि यार ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर की फलाना वेटेज होगी, इस चैप्टर की फलाना वेटेज होगी। तो आपने एक पैटर्न सेट कर रखा होता है माइंड में, और जिन बच्चों ने वो पैटर्न सेट कर रखा होता है ना माइंड में, उनको जाकर ऐसे पेपर्स टफ लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पेपर वॉज नॉट टफ। इफ पेपर वॉज नॉट ए केक वॉक, द पेपर वॉज नॉट टफ एज वेल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर एकदम केक वॉक था, बट पेपर टफ भी नहीं था। बट आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने माइंड में एक पैटर्न सेट कर रखा है, ठीक है ना, कि अरे और ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। और सीए एग्जाम्स में बच्चों पैटर्न कभी नहीं सेट करना चाहिए अपने को, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे कि बच्चों के मन में एक पैटर्न होता है, यार बैंक ऑडिट का तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, अच्छे से करना है। अब बैंक ऑडिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया डिस्क्रिप्टिव में। फ्रॉड का टॉपिक है छोटा सा, तो भैया फ्रॉड के टॉपिक से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ गया डिस्क्रिप्टिव में। तो क्या होता है कि जब अपन एक पैटर्न सेट कर लेते हैं ना, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने अपने को चीजें नहीं दिखती है ना एग्जाम हॉल में, तो अपने को चीजें टफ लगनी लगती है, जबकि वो चीजें टफ नहीं होती हैं। अब क्वेश्चन जो आए हैं ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आए हैं, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं आए हैं, केस स्टडी फॉर्मेट में बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टिपिकल आईसीआई ने नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब सर, जो क्वेश्चन है वो आसान है, पेपर जो आसान है, कि अगर आईसीआई ने बहुत ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा है तो इसका मतलब तो पेपर आसान होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम वही है कि आप एक पैटर्न लेके जाते हो एग्जाम हॉल में, एक पैटर्न की उम्मीद लगाकर जाते हो, और वहां आपको सर पेपर टफ लगने लगता है। और दूसरा चीज, अपना जो सिलेबस है इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना वास्ट है, कि एनीवेज जब क्वेश्चंस नूक एंड कॉर्नर से आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ऐसे टेस्ट कर रहा होता है, तो अपने को चीजें टफ लग रही होती है। ठीक है, तो आज का पेपर वर्डिक्ट यही है भाई कि बहुत बैलेंस्ड पेपर था आईसीआई की तरफ से। आईसीआई ने चारों तरफ से क्वेश्चंस पूछे हैं, हर एरिया से क्वेश्चन कवर किया है, बट ऐसा नहीं है कि आईसीआई ने बहुत गहराई में क्वेश्चन पूछा है। आईसीआई ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, बट प्रॉब्लम वही है यार कि अपन क्या करते हैं सर, अपन टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा इंफोसिस दे देते हैं चीजों पर। इस चैप्टर पर कम इंपॉर्टेंस दूंगा, इस चैप्टर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, तो वही आप गलती करते हो सर। ठीक है, तो पेपर जैसा भी गया यार, वो तो अपने बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ पेपर अच्छा ही गया है, बट आगे के जो पेपर्स है ना, उसके लिए भी यही एडवाइस है यार कि तुम एक ट्रेंड को माइंड में लेकर मत जाओ। ट्रेंड को लेकर कभी भी अगर तुम जाते हो एग्जाम हॉल में और वो ट्रेंड से पेपर जो है मिसमैच कर रहा होता है, तुमको सडनली एक इनर फीलिंग और ये होती है यार पेपर टफ है, जबकि पेपर टफ होता ही नहीं है। लेकिन तुम कोई ट्रेंड लेके जाओगे ही नहीं माइंड में, ठीक है मैंने अपनी तरफ से प्रिपरेशन करी है, मैं एग्जाम हॉल में पहुंच गया हूं, एंड लेट मी सी कि क्या पूछ रहा है इसी है, तो आपको वो चीजें टफ नहीं लगेंगी। ठीक है ना, तो ट्रेंड के बेसिस में आपने ज्यादा नहीं जाना है, ये अपने को पेपर से सीखने को मिलता है। और ये किसी भी पेपर में हो सकता है कि ऐसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस उतना टेस्ट ना करे। बाकी पेपर मॉडरेट था, ठीक है, केक वॉक नहीं था, बट मॉडरेट था। जिन भी बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी तो आराम से वो एग्जाम हॉल में लिख के आए होंगे। ठीक है, और अब जैसा भी पेपर हुआ है उसके बारे में आपने नहीं सोचना सर, आगे के एग्जाम्स के बारे में तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।